हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जियो F211S में इंसर्ट सिम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास फ़ोन आया है जियो का, जिसका मॉडल नंबर F211S है और इसमें सिम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ऊपर कि यहाँ पर इंसर्ट सिम बता रहा है, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क शो नहीं कर रहा है और ना ही सिम शो कर रहा है। तो जब आपके फ़ोन में इंसर्ट सिम आए तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो आपकी सिम ट्रे है उस सिम ट्रे को आपको क्लीन कर लेना है। अगर उसके बाद भी सिम नहीं पकड़ रहा तो उसको आप चेंज करके भी देख सकते हैं, या फिर उसकी सिम पिन जो लगी होती है सिम ट्रे की पिन, वो कहीं से लाइनिंग ट्रैक मिस हो जाने के कारण भी इसमें इंसर्ट सिम प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ये ऐसा आपके साथ होता है तो आप उसमें जंपर कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इस तरफ से जो दूसरा पॉइंट दिख रहा है आपको, दूसरा वाला पॉइंट से एक जंपर लेना है और इस वाले पॉइंट पर लगा देना है, और बीच वाला पॉइंट जो है उसको आपको छोड़ देना है, और लास्ट वाले पिन से आपको एक जंपर लेना है और वो जंपर आपको इस वाले डॉट पर लगा देना है। और उसके बाद जो पहला पिन है, सबसे पहला वाला पिन ये वाला, तो ये वाला हमारा ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड को आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ या ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी तीन पिन बने हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर जो पिन दिया गया है यहाँ से एक जंपर लेंगे और ये जंपर आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट नंबर से आपको जंपर लेना है और वो जंपर आपको इस फर्स्ट नंबर वाली डॉट पर लगा देना है, इस वाली डॉट पर लगा देना है। उसके बाद बीच वाली पॉइंट से हम एक जंपर लेंगे, यहाँ से एक जंपर लेंगे और वो वाला जंपर आपको इस वाले पहले नंबर के डॉट पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट बचता है, तो यहाँ से एक जंपर लेंगे हम और ये जंपर लेने के बाद आपको सेकेंड नंबर वाले डॉट पर लगा देना है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ कि जंपर आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से जंपर करने हैं, और इस तरह से जंपर करने से आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर नहीं इसके बारे में हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने इसकी ट्रे चेंज करके देख ली है, उसके बाद इसमें मैंने जंपर भी करके देख लिए हैं। वैसे आप इसे मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पिन की कौन सी लाइनिंग ट्रैक मिस है। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो आप जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप एक एक जंपर करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक मिनट वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में इंसर्ट सिम प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको अपनी सिम ट्रे क्लीन कर लेना है। उसके बाद भी अगर आपके फ़ोन में इंसर्ट सिम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको सिम ट्रे चेंज करके देख लेना है। अगर उसके बाद भी आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको अपनी सिम ट्रे की एक एक पिन को मल्टीमीटर से चेक कर लेना है, और उसके बाद जिस पिन की भी लाइनिंग ट्रैक मिस हो उस पर आप जंपर करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, अब हम इसे पासवर्ड डाल के अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि इसमें सिम पकड़ रहा है या फिर इंसर्ट सिम बता रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में सिम एकदम पकड़ रहा है, नेटवर्क भी आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें फुल नेटवर्क भी आ रहे हैं और इसमें जियो भी लिख के आ रहा है, यानी कि इस तरह से जंपर करने से हमारे फ़ोन में इंसर्ट सिम प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।